गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू वर्कशीट 20। नाउ इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ वर्कशीट 20। क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क। ड्रॉ अ टेबल, जो मैंने आपको टेबल दी थी होमवर्क में करने के लिए, एंड आई होप यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ वर्कशीट 20। आज हम वर्कशीट 20 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। उसी के नीचे स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज ए थिक पेपर शीट, एक मोटी पेपर की शीट है, इज ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। उस थिक पेपर की पेपर शीट की जो लेंथ है, लेंथ इज 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब उस शीट का हमको एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसका हमको व्हाट इज इट्स पेरिमीटर। तो उसका व्हाट इज इट्स एरिया पहले हमें बताना है कि उस थिक पेपर शीट का एरिया क्या है, और उसके बाद बताना है व्हाट इज इट्स पेरिमीटर कि उस थिक शीट का पेपर शीट का पेरिमीटर क्या है। तो पहले बेटे हम एरिया लिखेंगे। आप ये देखिए यहाँ पर लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है, इट मीन्स द शेप ऑफ द थिक पेपर शीट इज रेक्टेंगल शेप। उसकी शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप है, साइड नहीं दे रखी है। तो हमारी जो बुश शीट होती है, पेपर की शीट, वो रेक्टेंगल शेप की होती है। लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या लेंगे? एरिया लेंगे। व्हाट इज इट्स एरिया? पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ पेपर शीट, पेपर शीट का एरिया क्या आएगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेपर शीट, रेक्टेंगल पेपर शीट है तो आप रेक्टेंगल को रेक्टेंगुलर लिख दीजिए बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही आता है बेटे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब क्या है हमारी लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा? 18 10 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी मेजर, वी एक्सप्रेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हम हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। अब इसके बाद क्या पूछा बेटे? व्हाट इज इट्स पेरिमीटर, कि इट्स इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है बताओ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था बेटे? फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बेटे? 18 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा आंसर? 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 10 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 जा 16 कैरी 1, 22 जा 4 प्लस 1 5, 56 सेंटीमीटर। तो इसका पेरिमीटर क्या हो गया? पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। तो 18 प्लस 10, पहले हम लेंथ ब्रेथ को प्लस कर लेंगे तो 28 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 2 जा 56। तो अब थिक पेपर शीट की जो थी उसकी उसका आपका एरिया आ गया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरिमीटर इज 56 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15। नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज विद ए 100 मीटर लॉन्ग वायर, एक 100 मीटर की लंबी तार है बेटे, उसके साथ मोर देन वन रेक्टेंगल, एक से ज्यादा रेक्टेंगल जो है
विद डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेथ, अलग अलग लेंथ और ब्रेथ के जो है एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड, बन सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। ये देखो डिफरेंट लेंथ ब्रेथ के उन्होंने फोर रेक्टेंगल्स यहाँ पर ड्रॉ हैं हमारे पेज नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 16। ओपन कर लीजिए बुक और ध्यान से देखिए, जो सम उसमें लिखा वही मैंने ब्लैकबोर्ड पे लिखा है बेटे। विद अ 100 मीटर लॉन्ग वायर मोर देन वन रेक्टेंगल विद डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेथ कैन बी फॉर्म्ड, यानी 100 मीटर वायर से एक से ज्यादा रेक्टेंगल जो है वो अलग अलग लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म हो सकते हैं। अब हमको क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। हमें सब रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। आर द फोर एरिया इक्वल, क्या जो इन चारों का एरिया आ रहा है वो क्या इक्वल है या नहीं है, बराबर है या सबका अलग अलग है, ये बताना है। अगर इक्वल है तो आंसर इज यस, और अगर इक्वल नहीं है तो आंसर इज नो। सबसे पहले अब हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल्स का एरिया आप फाइंड आउट करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहीं पर मैं लिख रही हूँ बेटे, आप अलग अलग भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फॉर्मूला आपको सबको पता ही है। यहाँ पर साइड में आप एक जगह लिख लीजिए, यहाँ पर जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। साइड में आप इस एरिया को एक साइड, इस जगह इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। यही फॉर्मूला हमें इन चारों में अप्लाई करना है, ए बी सी डी में। अब देखिए यहाँ पर लेंथ 30 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर, तो 30 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर, तो क्या आंसर आया हमारा, दो थ्री, टू थ्री जा सिक्स और टू जीरो है, टू जीरो को एज इट इज लिख दीजिए। और आंसर हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर मीटर। ये आ गया फर्स्ट, ए का आंसर आ गया 600 स्क्वायर मीटर। अब बी का आंसर देखिए, बी में लेंथ है हमारी 40 मीटर इंटू ब्रेथ है 10 मीटर, तो 40 टेन जा 400 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है हमारा 35 मीटर, हमारी लेंथ है 35 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर ब्रेथ। अब 35 को 15 से कीजिए मल्टीप्लाई, 15 फाइव जा 75 कैरी 7, 15 थ्री जा 45 प्लस 7 52, आंसर आ गया हमारा 525 स्क्वायर मीटर। अब इधर ये जो डी वाली फिगर है, इन्होंने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ सेम दे दी है, शेप तो ये स्क्वायर है बट इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि रेक्टेंगल्स है। अगर स्क्वायर है तो भी साइड मल्टीप्लाई साइड है, 25 मल्टीप्लाई 25 होगा। अगर सिंगल 25 लिखा होता तो हम 25 मल्टीप्लाई 25 करते, यहाँ पर इन्होंने लेंथ ब्रेथ सेम दे दी है तो भी हम 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, 25 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर। अब इसको कीजिए 25 फाइव जा 125 कैरी 12, 25 टू जा 50, 50 में 12 प्लस करा तो आंसर आ गया हमारा 625 स्क्वायर मीटर। ये तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो अब हमने सभी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, आर द फोर एरिया इक्वल, क्या फोर जो एरियाज आए हैं ये क्या इक्वल हैं। अब देखिए फर्स्ट का ए का आंसर है हमारा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का आंसर है हमारा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी का आंसर है हमारा 525 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी का आंसर है हमारा 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द ये आर ऑल द फोर एरिया इक्वल, क्या ये फोर एरियाज इक्वल है, नो, फोर एरियाज आर नॉट इक्वल, ऑल एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सब अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया, अब ये आर द फोर एरिया इक्वल, तो इसका आंसर आप नीचे लिख देंगे नो, इसका आंसर आ जाएगा नो। ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर आ गया, आप फिगर को अलग अलग इस तरह बना लीजिएगा, फिगर ए, फिर उसके नीचे फिगर बी, उसके नीचे फिगर सी और उसके नीचे फिगर डी, और उसके सामने जो है इस तरह से फॉर्मूले में आप इस तरह भी लिख सकते हो, सब में इस तरह फर्स्ट लाइन ये लिखेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर उसके नीचे ये वाली लाइन,
फिर उसके नीचे ये वाली, फिर सेकंड में भी ये पहले ये वाला आप फॉर्मूला लिखेंगे देन ये वाला लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस अब कम होने की वजह से बेटे मैंने आपका फॉर्मूला साइड में इसीलिए लिख दिया है, और नहीं भी लिखे तो भी कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इन द क्लास वर्क, एंड योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, द थ्री रेक्टेंगल्स ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर पेपर एरिया, स्क्वायर पेपर आर ऑफ इक्वल एरिया, ये थ्री आपके रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, इनका सबका एरिया इक्वल है, आप इनके इनको काउंट करके देख लीजिए, ये देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, इनकी भी लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनको भी लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसमें लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ब्रेथ कितनी है ओनली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें भी आपका इसी तरह करना है, आपको लेंथ कितनी है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3, तो 4 3 इसका भी आंसर 12 है। यहाँ पर भी देखो लेंथ है 6 और ब्रेथ है 2, इसका आंसर भी 6 2 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो अभी क्या कह रहे हैं, थ्री रेक्टेंगल्स ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर पेपर आर ऑफ इक्वल एरिया, एरिया तो इनका इक्वल है, सो फाइंड देयर पेरीमीटर, आपको इसी तरह इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। एरिया तो आपको पता चल गया, पेरीमीटर में आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही ये तीनों सम्स का आपका पेरीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर में आंसर सिर्फ आप सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, इसमें आप स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ओनली एरिया ही स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, आपको सिर्फ इसका पेरीमीटर बताना है। फिर लिखा है आर देयर पेरीमीटर इक्वल, जब तीनों का पेरीमीटर आ जाएगा तो उसमें पूछा है कि इनका पेरीमीटर इक्वल है, अगर है तो यस लिखेगा और अगर नहीं है तो आंसर नो लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स सब नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 इज योर होमवर्क, ये आप होमवर्क में करेंगे, अच्छे से ये सारी ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर्स, रेक्टेंगल्स हैं ये थ्री रेक्टेंगल्स, ड्रॉ करके देन यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, इस फॉर्मूले से आप इसको करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।